बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार अपना सचिव तक नियुक्त नहीं कर सकती तो सरकार की जवाबदेही कैसे तय होगी। उन्होंने कहा कि यह गलत है। इस बात के हिमायती रहे हैं कि दिल्ली में अगर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से हटाकर एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई है तो पूर्ण राज्य की मान्यता मिलनी चाहिए दिल्ली को। सरकार को गठित करने के लिए जनता कितने उत्साह से वोट डालती और एक सरकार का गठन करती और उस सरकार को काम करने में इतनी कठिनाई होती है। जनता जिसको वोट देती है उसको जानती, इतनी बारीकियों को वो नहीं समझ पाती। समझती है सरकार हमने गठित कर दिया तो कानून व्यवस्था से लेकर अपराध से लेकर सब उसके नियंत्रण, और दिल्ली में पुलिस है नहीं। दूसरी बात है कि अब दिल्ली में तो एक और चीज भी, ये किस प्रकार का राज्य चलाना चाहती है केंद्र सरकार कि भाई जनता ने वोट दिया आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को, अभी अपनी सरकार गठित किए हैं, कौन किस विभाग का सेक्रेटरी होगा अधिकारी वो अगर सरकार नहीं तय करेगी कोई दूसरा तय करेगा तो जनता के प्रति जवाबदेही तो सरकार की होती है।